गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग। तो पहले बात करते हैं, कल जो होमवर्क दिए थे उनमें से कुछ डाउट्स हैं ना, बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट है। 11th क्वेश्चन। देखो, एक कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ये कॉन्सेप्ट कल बताया था कि एक जो ब्लेड है दूसरे में ओवरलैप नहीं कर रही। जैसे मान लो ये यहाँ पे आके खत्म हो रही है तो वो उसके पहले आके खत्म हो रही है ना, ठीक है ना। ना इसका एरिया इसमें जा रहा है, ना इसका एरिया इसमें जा रहा है, ठीक है। लेंथ कितनी है ब्लेड की, 25 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है, 115 डिग्री। तो वो कितना एरिया क्लीन करेंगी वो हमको बताना है। तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वो सेक्टर बनाएंगी। सेक्टर बनेगा ऐसे, एक आर्क और दो रेडियस से सेक्टर बनेगा। इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, दोनों का बराबर ही बनेगा क्योंकि दोनों की बराबर लेंथ है और बराबर ही थीटा है। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसका डबल कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस पूरी चीज का क्या करना है, डबल करना है, दो गुना करना है। तो वैल्यू पुट अप करो, थीटा कितना है, 115, 360, पाई की बनेगा कुछ 22/7, रेडियस कितना है 25 × 25। इसको सॉल्व कर दो, कट रहा है कहीं से, किससे, क्या 115 बाय 360 कट रहा है, 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, और यहाँ पे 5 × 7 = 35, 72। आगे और बोलो, ये 2 से ये 36 टाइम्स कट जाएगा और 36 से वो 11 टाइम्स कट जाएगा। और बोलो बस, तो 23 × 11 × 25 × 25। तब कैलकुलेशन तो है जो है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 11 × 25 × 25 = 625 / 18, ठीक है। 11 × 3 = 7 का रह गया, अच्छा 7 भी रह गया, 7 कटा नहीं गया। 11 × 3 = 33, रिमाइंडर 3, 22 × 3 = 25। करो मल्टीप्लाई, जरा क्या है, हाँ 158 डिवाइडेड बाय 18 7 जा 126। अब बेटा डिवाइड तो तेरे को ही करना पड़ेगा, तू कैसे सर करके देंगे, मैं नहीं करके तुम, हाँ ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई बोलो, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो अब सही कर लेना। डिवाइड तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको मैं 10th क्लास में आके डिवीजन करना सिखाऊंगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लीना मैम पढ़ाती हैं 6th 7th क्लास को, उनकी क्लासेस जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, डिवीजन बढ़िया सिखाएंगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब 126 से डिवाइड तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करके देगा, कोई भी टीचर नहीं करके देगा 10th लेवल पे, ठीक है ना। फोन बज रहा है किसी का, मेरा ही, ठीक है सर, कर देते हैं डिलीट। तो आप कर लोगे, चलते हैं लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, उसकी तरफ, और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। दिख रही है, एक राउंड टेबल कवर दिख रहा है आपको, ये कवर है, टेबल कवर, इसमें 6 बराबर की डिजाइन्स, देखो ये कोने पे दिख रही है, ये 3 ये 4 5 6, ठीक है। If the radius of the cover is 28 cm, अब ये round है तो उसका radius भी होगा, center से लेकर और इसके किसी भी एक point का radius distance ले लें तो वो radius ही माना जाएगा। तो जैसे ये radius है 28, तो ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा और ये भी 28 होगा। Find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. इन डिजाइन्स को बनाने की कॉस्ट पता करनी है, रेट ये दे रखी है, तो डिजाइन्स का एरिया चाहिए होगा, डिजाइन का एरिया चाहिए होगा ना, इन सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और एक सेंटीमीटर स्क्वायर की फिर इतनी कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई करके अपन टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। तो हमारा मेन टारगेट है क्या, एरिया ऑफ डिजाइन्स कैसे निकाली जाए। तो उसके लिए ऑब्वियसली यहां से तो कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं सेंटर मार्क करके
टू रेडियस मार्क कर दूं तो क्या ये चीज सेगमेंट है, यस और नो? एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो है, इनटू सिक्स कर देना, छह है तो थोड़ा ना सबका अलग अलग निकालने बैठोगे, छह इक्वल है ना, लिखा भी हुआ शायद सिक्स इक्वल डिजाइंस। हो गया काम, शुरू हो जाओ, बनाओ फिगर। अच्छा ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है ना, पहले एक सर्किल बनाओ उसके अंदर सेट करो एक हेक्सागन को और बराबर करना। एक एक साइड खड़ी कर दो इसे यहाँ पे, और यहाँ पे चार साइड्स हो गई, छह साइड्स करनी है ना अपने, और एक एक साइड यूं हो जाएगी, हो गई, बन गया हेक्सागन। अब वो इक्वल है या नहीं है वो एक अलग बात है, वैसे इक्वली मानेंगे अपन इसको, मतलब सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है ना। हाँ जी, तो दो रेडियस बना देते हैं, कोई सा भी एक पकड़ लो, ये वाला पार्ट पकड़ लो, ओ इसको मार्क कर लेते हैं, ए इसको मार्क कर लेते हैं, बी। रेडियस कितनी गिवन है, 28 सेंटीमीटर, 28, 28। अच्छा और दूसरी बात, थीटा कैसे निकालेंगे, छह है ना टोटल, भाई अगर मैं ऐसे बनाऊं ये सारे रेडियस को कनेक्ट कर दूं, ये सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 तो ये टोटल एंगल 360 होगा। अब ये इक्वल डिजाइन से तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे, तो 360/6 यानी 60 डिग्री आ गया थीटा, और साइन 60 आपको निकालना भी आता है क्योंकि सेगमेंट में साइन भी लगाना पड़ेगा, तो साइन 60 आपको निकालना आता भी है। ऐसा भी नहीं है कि 120 डिग्री या कोई ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसकी भी दिक्कत नहीं है। हाँ अगर तीन इक्वल डिजाइन होती तो दिक्कत आ जाती, तीन इक्वल डिजाइन होती तो क्या प्रॉब्लम आती कि 360/3 करते तो एंगल 120 डिग्री आता, उसका साइन निकालना फिर प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन इसने छह दिए ताकि आपका एंगल एक्यूट ही रहे। ठीक है स्टार्ट करते हैं, radius of the table cover equal to कितना given है, 28 centimeter, that is r equal to, यहां से अगर मैं कहूं तो AO भी कह सकता हूं या फिर DO भी कह सकता हूं, figure क्या करो, 28 centimeter है, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब नाउ इट इज गिवन दैट द टेबल कवर कंटेन्स 6 equal designs which are in the form of segment, वो हमने बता दिया, उसने तो नहीं बताया लेकिन हमने देख के बता दिया, which are in the form of segments, तो so angle of each segment निकाल लेते हैं, total angle होता है 360 degrees, और छह हैं सेगमेंट्स हमारे पास, 360/6 दैट इज थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 degree. तो अब निकालो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, नाउ एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट
फॉर्मूला वाइज करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेक्टर का फॉर्मूला टू पाई आर स्क्वायर माइनस आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बाय टू इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा है हमारा 60 डिग्री, 60 बाय 360 और पाई भी शायद कुछ लेना है, गिवन है नहीं तो 22 बाय 7 ही लो। अच्छा रूट थ्री गिवन है शायद, रूट थ्री की वैल्यू है वो तो 1.7, पाई की वैल्यू नहीं है तो पाई की वैल्यू वही लेंगे 22 बाय 7। रेडियस कितना है 28 into 28 माइनस हाफ इंटू रेडियस वही 28 into 28 और साइन थीटा यानी कि साइन 60 रूट थ्री बाय। ठीक है, 60 से ये वन टाइम, 60 से सिक्स टाइम्स गया, 7 से ये वन टाइम, 7 से ये फोर टाइम गया, 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 3 टाइम गया, दैट इज इट। तो 22 into 2 into 28 बचता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ओनली 3 बचता है, माइनस उधर चलते हैं हाफ इंटू 28 का स्क्वायर क्या होता है पता है किसी को, पर काट ही दो ना स्क्वायर क्यों करते हो, काट ही देते हैं ना, 2 से 1 टाइम, 2 से 14 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 14 into 28 into, ये क्या हो जाएगा साइन 60 और एक बार और 2 से काट दो तो ये 7 into 28 into √3 बच गया। करो मल्टीप्लाई 22 into 2 into 28, तो इसको मैं कर सकता हूँ 22 into 28, 2 जा क्या होता है 56 by 3 और √3 की भी वैल्यू है, सही कह रहा है। तो 7 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 8 56 रिमाइंडर 5, 7 2 14 and 5 196 इनटू क्या गया वैल्यू गिवन है 1.7। 22 से मल्टीप्लाई करो, एक एक स्टेप करते जाओ, 22 6 जा 132 रिमाइंडर 13, 22 5 जा 110 110 और 13 123 डिवाइडेड बाय 3 भी है माइनस, अब 1.7 से मल्टीप्लाई करना है 196, 17 6 जा 102 रिमाइंडर बचा 10, 17 9 जा 153 और 153 और रिमाइंडर क्या बचा था 10 बचा था, तो 153 और 10 163 रिमाइंडर बचा 16, 17 एकम 17 और 16 33। एक जगह आगे पॉइंट है, आप भी लगा, आप भी कर लेना भी अपना अपना। ठीक है, अब 3 LCM ले लो पहले, क्योंकि वहां पे वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है ना, तो पहले लास्ट में फिर 3 से डिवाइड करेंगे ना, 1 2 3 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ये करोगे आप, क्या आया 1 2 3 2 माइनस, माइनस करना जरा, तो 232 और 0.4 232.4। कैसे माइनस हुआ इतनी जल्दी भाई, इसको 1000 मान लो, इसको 1000 मान लो, कितने का डिफरेंस है 232 का, 1232 और 1000 में कितने का डिफरेंस है 232 का, और 1000 और इसमें कितने का डिफरेंस है 0.4 का। अच्छा जी, अब 3 से डिवाइड करें, कर दें क्या 3 से डिवाइड, बोलो कर दें, बोलो सोनाक्षी, उससे क्या होगा, बेवकूफ होंगे वो लोग जो 3 से यहां डिवाइड करने बैठे। इस पूरे को 6 से गुणा करना है, इंटू 2 करो, 6 डिजाइन है हमारे पास, कितनी डिजाइन है 6 डिजाइन है हमारे पास, ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स निकालो, एरिया ऑफ 6 सच सेगमेंट्स, ऐसे 6 सेगमेंट्स का एरिया निकाल, विल बी इक्वल टू 6 इंटू क्या आया था 232.4 divided by 3, 3 से 1 time, 3 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, this much centimeter square, अच्छा centimeter square, अभी कम देर में लिख देंगे, ठीक
ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कोस्ट गिवन है, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, कोस्ट गिवन है 0.35 पर सेंटीमीटर का, आपको टोटल कोस्ट निकालनी है ना। नाउ इट इज गिवन दैट तूने पहले ही कर लिया था लेकिन किया नहीं था। इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, मेकिंग डिजाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी गिवन है, ये रुपीज 0.35 35 पैसे एक सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन्स, 6 है ना टोटल डिजाइन, जो तो 6 डिजाइन्स का एरिया कितना आया, 464.8 इनटू 0.35 करो अब जल्दी से और आंसर देता हूं। रुपीस व्हाट, हाँ कर ना, फिर तू कहेगा ना मैं पहले कर दिया था। अवनी अब भव्या नहीं आएगा क्या, पता ही नहीं 162.68 क्या इतनी सी, अच्छा 35 पैसे है ना 162.68, पीछे भी मैच कर लो। हाँ तूने इस बार पहले ही नहीं कर दिया ना इसलिए, नहीं तो वैसे तू पहले ही कर देता है, तू पहले ही कर दिया कर ताकि तेरा सही आ जाए। हो गया, और लास्ट क्वेश्चन तो कल डिस्कस कर ही दिया था, ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर है ही। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, डिलीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो चेंज कर देते हैं For your convenience, so delete it. Okay, leave the meeting and join again.